नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है बिल्कुल एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि निकल के आ रही है DSSSB की तरफ से, दिल्ली सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। दो नए नोटिस जारी किए गए हैं, एक रिजल्ट जारी किया गया है एक पोस्ट कोड का, और कैंडिडेट्स को बोला गया है E-Dossier अपलोड करने के लिए, और डास ग्रेड 2 का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। और ये अब देख लेते हैं दोस्तों दोनों नोटिसों के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ किस किस पोस्ट कोड से क्या क्या ये नोटिस जारी किए गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये वाला नोटिस जो कि है रिजल्ट से जुड़ा हुआ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड 38/13 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, PET का, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का। दोस्तों नोटिस नंबर 705 23/8/2018 और 31/8/2018 को जारी किया गया था, जिसमें 373 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी जिन्होंने की रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया था, और उनको बुलाया गया था PET के लिए, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जो कि हुआ था 18/9/2018 से 20/9/2018 के बीच में। टोटल 373 कैंडिडेट में से सिर्फ 87 कैंडिडेट ही वहां पहुंचे थे PET के लिए, और उस 87 में से सिर्फ 20 ही क्वालिफाई कर पाए थे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को। तो उन 20 के 20 का रोल नंबर यहां दर्शा दिया गया है, और इन सभी कैंडिडेट्स को बोला गया है कि वो अपना E-Dossier अपलोड कर दें साइट पे जाके, ताकि उनके आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। और उनको समय दिया गया है 19/11/2018 से 3/12/2018 तक, 19 नवंबर से लेके और 3 दिसंबर तक वो अपना E-Dossier जो है वो फाइल कर सकते हैं DSSBonline.nic.in पे जाके। और एक नोट है, काइंडली नोट दैट द E-Dossier लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द PET, सिर्फ जिन कैंडिडेट्स का PET क्वालिफाई हुआ है उन्हीं का लिंक एक्टिवेट हुआ है E-Dossier का, तो वो अपना कर सकते हैं, और बाकी किसी का नहीं हुआ। दूसरा नोटिस जो है, डास ग्रेड 2 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप DSSSBonline.nic.in पे आएंगे, जनरेट प्रिंट ई एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ सबसे पहले तो दिखाई देगा पोस्ट कोड 63/15 मेट्रोन फीमेल PET के एडमिट कार्ड, और उसके बाद ई एडमिट कार्ड आपको दिखाई देंगे TL2 एग्जाम के डास ग्रेड 2 के, और ये पोस्ट कोड है 40/13, और ये जो एग्जाम होना है ये होना है 25/11/2018 को। तो दोस्तों ये दो एडमिट कार्ड अवेलेबल हैं, बाकी एक रिजल्ट का नोटिस जारी किया गया है। यही आई थी आज की अपडेट अभी तक की जो DSSSB की तरफ से निकल के आई थी। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस जारी होता है या कोई न्यूज और आती है निकल के DSSSB से जुड़ी हुई, तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके लिए तो दोस्तों उसके लिए आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल, एक घंटी भी दिखाई देगी, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।